ये भगवान क्या जुलुम है। बाजी तुम्हें। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ श्वेता कुजूर और आज विलेज व्लॉग बन रहा है। तो अभी मैं हूँ गांव में, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आई थी और आज क्रिसमस का सेकेंड डे है। गाइस अभी टाइम हो रहा है, 8 बजने वाला है। कितना मिनट बाकी? बस 5 मिनट बाकी है और वो देखो सूर्य नजर आ रहा है और मेरे हाथों में मेहंदी। भाजी तुम्हें क्या लग रहा है? बहुत खूबसूरत लग रही हो। भाजी से मतलब है ना? ये खूबसूरत है। अरे जल्दी तोड़ ना, इतना ठंडा लग रहा है। तो पूरा इतने बड़े बड़े पत्ती हैं और ये भाजी इतना टेस्टी लगता है। इतना इसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ नहीं, सिर्फ ये और देसी खाद से इसको लगाया गया है। और आलू भी सब तैयार हो गए। कितना मस्त हरा हरा भाजी है, बिना किसी 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 केमिकल के। अच्छा, रात को भी इतना सुंदर होता था ना, एकदम पूरा बड़ा बड़ा एकदम, और एकदम बहुत टेस्ट लगता था। मूली का, मूली का भी अचार बनता है रे। हाँ तो क्या क्या का अचार नहीं बनता, सबका अचार बनता है। बाबू जैसे भी हाय बोलो, नहीं जानते। हाय बोलो। हाय, कैसे? क्या हुआ, क्या है? दो ना मेरे लिए दो। अरे दो ना, नहीं तो कैसे होती है? शरीफा का फल ब्रश के खा रही है लड़की, बिना ब्रश किए खा रही है। छी, इसका दांत में कैसे गंदा दिख रही है। करो तो इगरो इगरो, देखो समझ गए ना, ब्रश नहीं किए। ब्रश की होती ना तो दांत दिखा देती ही करके। ये क्या कर रही हो तुम? पानी लेके आ रही हूँ, बट ये पूरा हिल रहा है। देख, मैं मेरे को पूरा हिला डाल रहा है। नहीं सकती, पैर भी है तुम्हारे। ये गाइस, तो इतना मेहनत करना पड़ता है गांव में, बड़े बड़े डेक्ची धोना पड़ता है। गाइस तो हमारे यहाँ चूल्हे में खाना सब्जी बनता है लकड़ी से, और ये है वो मक्का का डांट, तो उससे आग जला रहे हैं और अभी भाजी बन रहा है। गैस चला है लेकिन उस पे गैस नहीं, सिलेंडर में इंडक्शन है पर लाइट वोल्टेज ही नहीं पूरता है, इसलिए ये अपना देसी है ना, ये हमारा कुछ नहीं चाहिए, बस लकड़ी और माचिस चाहिए। लगाओ और खाना पीना बनाओ और खाओ मजे से। हे गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं ब्रश करने के लिए और हमारे घर पे ना बोर और कुआं वगैरह नहीं है, तो हम लोग खेत के पानी में आए हैं धोने के लिए, और यहीं के पानी से हम लोग हाथ पर धोने के लिए लेकर के जाते हैं। तो मैं डेक्ची लेकर के आई हूँ और ब्रश लेकर के आई हूँ और मैं यहाँ पे ब्रश करके जाऊँगी। अब सोचना मत कि गंदा पानी, एकदम शुद्ध पानी है। बहाव इसका देखो बह रहा है। मेरी बहन, इससे गांव में आने का एक फायदा, यहाँ पे ना एकदम शुद्ध हवा और चारों साइड हरे भरे दिखेंगे। लेकिन अभी क्या है ना, और धान वगैरह पूरा कटाई हो गया है, तो कटाई होने के बाद अभी सरसों लगाए हैं, सरसों के बाद में लगाएंगे गेहूं। गेहूं जब लगता है ना भाई साहब, पूरा हरा भरा दिखता है चारों साइड में। और देखो उधर मोटर वगैरह चल रहा है, और इस साइड में मेरा घर, कहाँ घर गया, कहाँ गया, वो है मेरा छोटा सा घर। और ये देखो इधर सरसों लगाए हैं और इधर मस्त पीला पीला फूल खिला हुआ है। गाइस तो अभी मैं खा रही हूँ खाना और मेरा फेवरेट भाजी ये बन के तैयार हो गया है, और जितना चावल नहीं है उससे ज़्यादा तो मैं भाजी खा रही हूँ। ये देखो फिर बगान में छोटे छोटे आलू, और ये देखो इतना सा, एक बाल्टी नहीं आधा बाल्टी हो गया है। मेरा भाई को मम्मी लेकर के जा रही है कहीं। ये है हमारे घर का अमरूद, और इतना टेस्टी लगता है खाने में कि मैं क्या ही बताऊं। देखो नीचे भी फला है, ऊपर भी ये बड़ा बड़ा फला है, और एक मैं दिखा दूँ, ये सफ़ेद वाला अमरूद है और लाल वाला अमरूद उधर है उस साइड में, और ये नींबू का पेड़ है। दिन ऐसा था कि हमको अमरूद खाने को नहीं मिलता था। आदमी है कि जानवर, छोटा सा पेड़ में चढ़ रहा है, घुमा घुड़मुड़िया, फिर अमरूद खाया हो ऐसा लग जाएगा।
हो गया बस दो ही थी, एक खा के तो ऐसे पेट मैं तो नहीं चढ़ती रे।